अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखें, ठीक ठाक रखें, आबाद रखें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीट रूट फेस मास्क। ये बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, इसे उर्दू में चकंदर भी कहा जाता है। बीट रूट जो है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारी स्किन से जो है वो डार्क स्पॉट्स को कम करता है, रिंकल्स को ख़त्म करता है, हमारी स्किन को बहुत अच्छा पिंक ग्लो देता है और यंग रखता है स्किन को। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पहले इसको छील लिया था और बाद में मैंने इसको स्लाइसिस में जो है इस तरह से कट कर लिया है। ये फेस पैक जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा आपके फेस पे ग्लो देता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक दिन में ही बहुत चिट्टे गोरे हो जाएंगे, इस तरह से नहीं है, लेकिन यूज़ करने के बाद आपको फ़र्क ज़रूर फील होगा। एक दिन के बाद ही आपको अपनी स्किन पे अच्छा ग्लो दिखेगा। इस तरह से स्लाइसिस में कट करने के बाद जो है वो मैंने इसको ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी लेना है, जितना आपको रिक्वायर्ड हो, और इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना, वो फिर ज़्यादा जो है वो थिन हो जाएगा। फिर हमने जो है इसको इस तरह से स्ट्रेन कर लेना है। जैसा कि देख रहे हैं आप, बीटरूट जूस जो है रेडी है। इसमें हम 1 टेबल स्पून जो है वो बेसन ऐड करेंगे, ग्राम फ्लोर जिसे कहा जाता है, और इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। अगर आपको लगे कि आपका पेस्ट जो है वो थिन है, तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका पेस्ट जो है प्रॉपर एक मास्क की जो है वो उसमें आ जाए फॉर्म में। उसके बाद हम इसको इस तरह अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो फिंगर से भी लगा सकते हैं, और ब्रश है तो आप ब्रश से भी लगा सकते हैं। इस तरह आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है इसको। इसको आप 20-30 मिनट्स के लिए इसको इसी तरह लगा रहने दें फेस पे। लगा के आप इसको जो है 20-30 मिनट तक वेट करें। 20-30 मिनट के बाद जो है वो मैंने इसको इस तरह से जो है रब करना है सर्कुलर मोशन में, और उसके बाद मैंने इसको सिंपल प्लेन वाटर से जो है वो वॉश कर लेना है। और जो बीटरूट जूस निकालने के बाद हमारे पास जो बीटरूट था वो, उसका मैंने इस तरह से जो है उसको वेस्ट नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं उसको जो है स्क्रबिंग उसकी इस तरह से कर लूँ। तो आप भी चाहें तो आप अपने फेस की इस तरह से स्क्रबिंग कर सकते हैं, अपने हाथों की भी कर सकते हैं, नेक पे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए।